संभल ले दिल, सनाए हैदर करार हो जाए। महसूस होगा इंशाल्लाह। तवज्जो ज्यादा उमरा वरना खास तौर से एक कैफियत है, बिल्कुल इब्तदाई शायरी थी और ये मौलाना ने अता किए और मकबूल बारगाह हुए। जहाँ मैं पहुँचा उससे पहले ये मिसरे वहाँ पहुँच चुके थे। संभल ले दिल, सनाए हैदर करार हो जाए। शुक्रिया। संभल रहे जन्नत में घर तैयार हो जाए। बहुत तवज्जो खास तौर से मुलाकात फरमाए। यहीं बैठे रहे जन्नत में घर तैयार हो जाए। उसने मतलब सुनिए, फिर वो शेर पढ़ता हूँ खास तौर से। फकत तो एक बार मौला आपका दीदार हो जाए। तवज्जो चाहता हूँ मुलाकात फरमाए, इंशाल्लाह याद रखेंगे। खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ। फकत तो एक बार मौला का दीदार हो जाए, फिर उसके बाद चाहे ये नजर बेकार। बहुत शुक्रिया, आपने नवाजा। फकत तो एक बार मौला आपका दीदार हो जाए, फिर उसके बाद चाहे ये नजर बेकार हो जाए, फिर उसके बाद। अब वो शेर, वो लाजवाब शेर जब तक पढ़ा जाएगा मैं जिंदा रहूंगा। खास तौर से मुलाकात फरमाए। मेरी माँ ने मुझे नाद अली पढ़कर दुआ दी है। तवज्जो चाहता हूँ खास तौर से मुलाकात फरमाए। मेरी माँ ने मुझे नाद अली पढ़कर दुआ दी है। मेरी कर दुआ दी है, मेरा बच्चा गुलामे मी समय तमार हो जाए। मेरा बच्चा गुलामे मी समय तमार हो जाए। हम पे भी ये इल्ज़ाम है, बस ये लोग तो अली अली किया करते हैं। मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, ख़ास तौर से तवज्जो चाहता हूं।
जुनू मेरा तो जो चाहता हूँ जुनू मेरा तुम्हें अच्छा नहीं लगता जहां वालों मौलाइयों का मजमा है तवज्जो चाहता हूँ मुलाफा मैं जुनू मेरा तुम्हें अच्छा नहीं लगता जहां वालों मगर वो क्या करे हैदर से जिसको प्यार और दो अशार और हैं वो भी सुन लें इसके फिर आगे बात शुरू की जाए तवज्जो चाहता हूँ शेर खास तौर से मुलाफ़ा फरमाए ये हो सकता है तेरा जब को सामने रखे और ये शेर सुने ये हो सकता है एक दीवार शक हो दर नुमाया हो सामने की बात है कोई दीवार टूटे दर जैसा बन सकता है तवज्जो ये हो सकता है एक दीवार शक हो दर नुमाया हो मगर मुमकिन नहीं फिर दर वही दीवार मगर मुमकिन नहीं फिर दर वही दीवार हो जाए शबे हिजरत सामने रखे मौला फरमाते हैं मैं ऐसा सोया कि कभी नहीं सोया और जब खतरे होते हैं खतरा होता है तो नींद नहीं आती बार बार आँख खुल जाया करती तो जो चाहता हूँ शेर अपनी पसंद का हाजिर खिदमत करता हूँ मौला फरमाए एक दूध और का सहारा दे दूध का उस इत्मीनान उस इत्मीनान के सदके के खालिक की रजा ले उस इत्मीनान के सदके के खालिक की रजा ले ली वहां सोए दुरूद पढ़े बहुत जोर वहां सोए जहां सोता हुआ बेदार हो जाए बाकी आप सुने मैं मक्ता नहीं पढ़ूंगा अब यहां से आगाज करता हूं मौला तशरीफ ले आए एक चार मिसरे पढ़ूंगा और चंद अशआर चार मिसरे हाजिर करता हूं शायद किसी काबिल हो देखो ऐ अंजार हरगिज देखो ऐ अंजार हरगिज उनके घर जाना नहीं तवज्जो चाहता हूँ साहब बहुत कम रख लूंगा थोड़ा तो जीव ले आए देखो ऐ अंजार हरगिज उनके घर जाना नहीं उनके घर जाना नहीं जिनके घर कुरान तो है लेकिन अज़ा खाना नहीं
जाना नहीं, उनके घर जाना नहीं, जिनके घर कुरान तो है लेकिन अज़ा खाना नहीं, जिनके घर कुरान तो है लेकिन अज़ा खाना नहीं। वो कौन लोग हैं जो माज़अल्लाह रसूल करीम को अपने जैसा कहते हैं? मैंने उनको देखा, अपनी नज़र डाली, एक शेर हाजिर खिदमत करना चाहता हूँ। अरेन तशरीफ़ फरमा है, तुम लोग आओ तशरीफ़ फरमाए, ख़ास तौर से मुलाकात फरमाए। जिनके घर कुरान तो है लेकिन अज़ा खाना नहीं, देखो ऐ अंसार हरगिज़ उनके घर जाना नहीं। तवज्जो, बहुत तवज्जो। रहमतुल लिल आलमी के लोग हम सर बन गए, माशाल्लाह, तवज्जो ज्यादा उमड़ा फरमा। रहमतुल लिल आलमी के लोग हम सर बन गए, लोग हम सर बन गए, और हमने आज तक कंबर को पहचाना। भाई करार साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ। बिलाल काजमी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, एक दुरूद और पढ़ दें। बाबा बुलंद हम सर बन गए, और हमने आज तक कंबर को पहचाना नहीं, और हमने आज तक कंबर को पहचाना नहीं। और एक मतलब दो अशार भाई आपकी नजर करना चाहता हूँ, तवज्जो ज्यादा, मौलाइयों का मजमा है। दुश्मन हैदर तुझे हैदर ना मिलेगा, तवज्जो ज्यादा मौला फरमाए। दुश्मन हैदर तुझे हैदर ना मिलेगा, तुझे हैदर ना मिलेगा, महशर में शिफात को पयंबर ना मिलेगा, महशर में शिफात को पयंबर ना मिलेगा। और ये हदीस पाक की रोशनी में शेर, दर इल्म का हैदर है नबी इल्म का घर है, तो चाहता हूँ। दर इल्म का हैदर है नबी इल्म का घर है, नबी इल्म का घर है, जो दर से ना गुजरेगा उसे घर ना मिले। जो दर से ना गुजरेगा उसे घर ना मिलेगा। और ये शेर जिसके लिए मैंने आपको ये एक बतला एक शेर सुनाया, तो जो चाहता हूँ, मुशाहिदा है मेरा जहाँ भी गया, चाहे मुल्क हो या बैरून मुल्क हो, मैंने पहाड़ों में गुफाओं में वीरानों में भी अली अली की आवाज़ सुनी। कोई जगह ऐसी नहीं मिली
जहां मौलाई ना हो, जहां मौला का चाहने वाला ना हो। एक जगह हुजूर तलाश किए, खास तौर से मौला फरमाने शायद कोई बात हो, एक जगह आशिक हैदर से भी खाली। बहुत तवज्जो हजरा, है एक जगह आशिक हैदर से भी खाली, आशिक हैदर से भी खाली। कौन? दोज़ख में कोई आशिक है, एक जगह आशिक हैदर से भी खाली, दोज़ख में कोई आशिक हैदर ना मिलेगा, दोज़ख में कोई आशिक हैदर ना मिलेगा। चूंकि ये महीना जो है बीबी मासूम आलम के हवाले से जाना जाता है, उनकी शहादत भी दो दिन में गुजरे, अय्याम अज़ाए फातिमिया चल रहा, सिर्फ एक मतला और एक शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। तवज्जो चाहता हूँ, मुला फरमाए, एक दुरूद का सहारा दे दीजिए, बहुत तवज्जो। किरदार मोहम्मद को कहाँ ढूंढ रहा है, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, खास तौर से किरदार मोहम्मद को कहाँ ढूंढ रहा है, किरदार मोहम्मद को कहाँ ढूंढ रहा है, किरदार मोहम्मद को कहाँ ढूंढ रहा है, ये आल का दर है तू वहां ढूंढ रहा है, ये आल का दर है तू वहां ढूंढ रहा है। बस ये शेर काफी के दाद चाहूंगा, खास तौर से मुला फरमाए, ऐ दुश्मन जहरा तू कहाँ जाके छुपेगा, बहुत तवज्जो, ऐ दुश्मन जहरा तू कहाँ जाके छुपेगा, ऐ दुश्मन जहरा तू कहाँ जाके छुपेगा, आए दुश्मन जहरा तू कहाँ जाके छुपेगा, तुझको तुझको दर जहरा का धुआं ढूंढ रहा है, तुझको दर जहरा का धुआं ढूंढ रहा है, तुझको द